ठीक चल रहा है। चलो अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। तो नेक्स्ट जो टाइप है ना, वही फिर से दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। जिन लोगों को नहीं पता है ना, बोलो एक बात समझ लें कि दुनिया में सब कुछ 100% होता है। अगर मैं कभी भी आपसे एक बात बोलता हूँ, कभी भी बोलता हूँ कि 10% आपका लॉस हुआ है, कि 10% आपका लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ये ही होता है कि वो 90% के ऊपर है बस। कभी भी मैं आपसे बोलता हूँ कि 10% आपका प्रॉफिट हुआ है, तो वो 10% का प्रॉफिट की बात कभी भी करें, तो इसका मतलब है कि वो 110% के बराबर आपका होगा। ये बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, और कहीं कुछ नहीं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाले टाइम में आप क्या कहते हैं। वो कहता है कि एक कार्यालय में 40% महिलाएँ, 70% कौन है, पुरुष है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो 40% महिलाएं हैं, फिर उसने बोला, सॉरी थोड़ा गड़बड़, 40% महिलाएं हैं, तो पुरुष कितना होगा, 60%। पुरुष कितना होगा, 60%। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर 40% महिलाएं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ है क्या 100%। हम आगे बढ़ते हैं, देखो उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि बताओ महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं 40% हैं। अगर 40% महिलाएं, तो पुरुष है कितना, तो पुरुष होएगा आपका कितना, 60%। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं हमें, बिल्कुल भी नहीं। अब उसने फिर धीमे से आगे बोला है कि 70% महिलाएं और 50% पुरुष क्या है, विवाहित है। तो ऐसा बताओ जो अविवाहित हो। अगर मुझे बताओ 70% महिलाएं आपका विवाहित हैं, तो ऐसी कितनी महिलाएं जो विवाहित नहीं है। तो बोले नहीं से क्या मतलब, क्योंकि उसने क्वेश्चन को नीचे पढ़ो, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा तो आपको ये भी दिख रहा है कि इसमें क्या मामला बन रहा है, कि इसमें साफ साफ कहता है कि इसमें 70% विवाहित है। तो कितनी नहीं है, 30%। क्यों पूछा, किसके बारे में, जो नहीं है। तो हम किसका निकालेंगे, हम भी कहेंगे कि नहीं है, तो कितना, तो 30% इनका निकालें। मैंने इस प्रतिशत को नहीं बदला है, जब तक प्रतिशत नहीं हटेगा, जब तक इसके नीचे 100 नहीं आएगा, प्रतिशत गायब नहीं होगा। मैंने खाली इसको बदल रहा हूं, ये प्रतिशत मेरा प्रतिशत ही है। लेकिन अगर इसकी बात करें, 30 इसके नीचे क्या ले आया मैं, 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 × 3 = 12, ये प्रतिशत जिंदा है, इसलिए 12, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से आपका 1 0 ये जाएगा, तो क्या निकलेगा आपका, 12% शुद्ध। क्यों, अगर इसे मुझे प्रतिशत को हटाना पड़े, तो मुझे नीचे क्या लाना पड़ेगा, 100। मैंने इसे प्रतिशत में जिंदा रखा है। इसको भी देखें, अगर 50% पुरुष जो है विवाहित है, तो कितना नहीं है, 50 नहीं, 0 से जाएगा, ये 0 रहेगा जी। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो, जिसको ये देखना है इधर, ये प्रतिशत मेरा जिंदा है, लेकिन इस वाले को मैंने क्या कर दिया इसको, अरे 50% का मतलब आधा होता है, और 60% का आधा 30 होता है, दिमाग क्या लगाना यार, कितना आएगा, 30% अविवाहित है, ये आपका 12% है, ये आपका 30 है, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, यानी 42% ऐसे हैं जो अविवाहित है। बात खत्म, कुछ है ही नहीं यार, मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज़ें, बिल्कुल सिंपल, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी ले, हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा मामला है। उसने बोला गाँव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 महिलाएं, बात खत्म हो गया। 25,000 इसकी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, 25,000। 25,000 में आपसे बोला जाए कि महिलाओं की संख्या कितनी है, 1/5, और मेरे हिसाब से 25,000 का 1/5 मेरे हिसाब से तो होता है 5,000, तुम्हारे हिसाब से कितना होता है, 5,000 होगा यार, और कितना होगा, 25 में से 5 इधर चला गया, तो ये मामला बचा कितना आपका, 20,000। अब इसमें क्या दिमाग लगाना बताओ, कुछ दिमाग लगाना है क्या। फिर उसने क्या बोला आपसे, सीधा सीधा बोला कि 5% पुरुष और 40% महिलाएं निरक्षर हैं, तो फिर कितने लोग साक्षर हैं। अगर पुरुष 5% पुरुष आपका, 5% पुरुष आपका अगर मान लेते हैं निरक्षर है, तो साक्षर कितना होगा, 95%। पुरुषों का 5% आपका निरक्षर है, तो मुझे बताओ कि पुरुषों का आपका कितना प्रतिशत साक्षर होगा, 95। पुरुष कौन है जनाब, पुरुष आपका कौन है, पुरुष आपका 20,000 है, और 20,000 का अगर 5% हटा दे, तो बचा कितना, 95, और 95% वाला मामला कितना आएगा, ये जाएगा प्रतिशत जाएगा 2 0, याद है ना, या नीचे 100 आ जाएगा, तो क्या आएगा आपका, 19,000, तो ये आ गया आपका। और प्लस इसका कितना बोला है आपने, इसका बोला है सीधा सीधा मामला बोला हुआ है, कितना बोला 40% महिलाएं निरक्षर हैं, अगर 40 निरक्षर हैं तो हटा दो ने, साक्षर कितना होगा, तो बचा हुआ मामला कितना है आपका, 60, और 60% कितना है, 2 0 जाएंगे, 6 5 30 आएगा, और कितना है, 30,000, 19,000, और इधर 3,000, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे आपके 22,000। 22,000 कुल कितने हैं, 25,000 में से अगर 22,000 आपका मामला बनता है, तो बताओ 25,000 में से आपका 22,000, तो 22,000 25,000 के लिए क्या मायने रखते हैं, कुछ मायने नहीं रखते हैं,
क्या मायने रखते हैं, ये उड़ेगा ये उड़ेगा ये उड़ेगा। नाना अरे गलत उड़ा दिया, इसको तो जिंदा रखना है। क्यों जिंदा रखना है? यही तो जिंदा रखना है, जैसे सुविधा 3 0 से 3 0 25 × 4 लो 100, 22 × 4 88% लोग ऐसे हैं जो आपके साक्षर हैं। तो बताओ इसमें है क्या ऐसा कोई दुख जो आपको रह रहे के सता रहा हो, सता रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आए आप, और नेक्स्ट क्वेश्चन के जनाब क्या कहता है जनाब, उसमें एक कॉलेज में 40% छात्रा ए में जाता है और शेष का जाता है कितना, 75%। आ जाओ ए में गया और शेष का 75% बी में गया, और फिर शेष का 12% आपका क्या बोला बी में रखा गया, और शेष 12% कहाँ रखा गया, सी में रखा गया। अरे यार सिंपल सी बात है यार, कॉमन सेंस लगाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एक बात बताओ, ए को कितना गया 40, लो ए को कह दिया कि तुम 40 ले जाओ और जी लो अपनी ज़िंदगी खोलो। अब कहता है ए में गया कितना गया, ए में गया आपका 40% रखा गया था और शेष के 75% बी में जाता है। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर शेष का 75% बी में गया, न्यूमेरिकल वैल्यू ए का दिया होता ना तो यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता। हम कहते जितना भी दिया होता, मान लो 80 दिया होता, 90 को जितना भी दिया होता, हम कहते कि ए में 40% जाता है और इनकी संख्या 800 है, तो हम कहते कि 40% के बराबर 800 हो गया, 100% कितना, काम खत्म हो गया ना, कुछ भी करना नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या संख्यात्मक मान का आपको ए का दिया है, नहीं दिया, इसलिए हमने क्या कुछ किया ही नहीं आगे बढ़े। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बी का दिया है, बी का भी नहीं दिया, गौर से देखो उसमें दिया है किसका दिया हुआ है, सी का, और सी का कहता है कि सी को जाते हैं 12 छात्र। तो एक बात याद रखना कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में, क्या याद रखना है कि जिसका संख्यात्मक मान आपको दिया हो उसी का हमें प्रतिशत निकालना है। तो हम देखें सी का दिया है तो मुझे मतलब अब सी से है, मुझे मतलब बी से नहीं, मुझे मतलब ए से नहीं। हम देखेंगे सबसे पहले तो शेष देखें कि शेष है कितना, तो शेष जनाब है कितना, अरे कि शेष कितना आएगा, तो हमने कहा कि शेष है 60%, वो शेष तो हो गया ठीक है, शेष का 75 से अका ऑफ या बाया फ्रॉम या देन या टू या सी ये सब लगा होता है, बेस होता है, बाय यूनिट होता है, 100% होता है। तो शेष का बोला हुआ है आपसे, और शेष का कितना बोला हुआ है आपसे, शेष का बोला 75%, तो शेष तो मेरे जनाब 60 है ना, तो शेष का तो बी भी मेरे कोई मतलब का नहीं है, मेरे मतलब का कौन है सी, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि सी का कितना है, तो मैं सी का कहूंगा कि शेष का अगर 75 बी को गया तो बचा हुआ मामला कितना है 25, और 25/ कितना आएगा, उड़ेगा ना 4 बार, 25 × 100 और आ जाएगा आपका 15%, और इसकी संख्या हमें दी है 12। अब आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी, इसने 75 क्यों नहीं निकाला, 75 निकालता तो 45 आता, गलत क्या नहीं, क्या 45 आता ना, बी को जाने वाला 45, फिर 60 में से 45 माइनस करता 15 आता, तो फायदा क्या मिला बताओ, फायदा कुछ मिला क्या। हम जिसका संख्यात्मक मान दिया उसको निकालना डायरेक्ट, सी का दिया तो सी का निकालेंगे, बात खत्म। हम कहेंगे कि 15% के बराबर तुम्हारा यदि 12 है तो दुनिया में तुम्हारा है क्या सब कुछ, 100% के बराबर मामला कितना बनेगा। कोई भी कर सकता है इसे, चाय वाला, टॉफी वाला, कॉफी वाला, आइसक्रीम वाला, कोई भी करेगा। 5 छोड़ेगा 3 बार, 5 छोड़ेगा 2 बार, मतलब अरे 2 यानी 20 समझा करो यार, 3 छोड़ेगा कितनी बार, 4, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 मामला आपका। कुल संख्याएं कितनी है तुम्हारे पास 80, कुल संख्या कितनी है यानी कुल नंबर आपका। हाँ b को क्यों नहीं पकड़ा हमने 75, क्योंकि उसका संख्यात्मक मान हमें नहीं दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखो इस तरह के जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में कोई दम नहीं है, उस टॉपिक में कुछ खास है भी नहीं, ठीक है, जो टॉपिक लेंगे ना प्रॉफिट लॉस उसमें थोड़ा मजा, इसमें मजा नहीं है कुछ। आज नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब क्या कहता है, एक फैक्ट्री में, अब आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, चाय भी हो जाए थोड़ी थोड़ी, ठीक है, क्योंकि मौसम सुहाना है, सुहाने मौसम में चाय का मजा अपना अलग ही है। चाय नहीं पी तुमने कभी, चाय अच्छी है, चला जा। अब देखते हैं चाय सब आगे चल के ना, चाय भी, चाय के ना बहुत बड़ा स्टॉल लगाए चाय का, 50 तरह की चाय है ना, चाय बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाएंगे बढ़िया वाला, हर चीज़ में क्वालिटी हो, ज़बरदस्त अच्छा वाला, ठीक है ना, बढ़िया वाला। कुछ टाइम तक और बनाना, फिर नहीं पढ़ाएंगे, फिर आराम से जिएंगे ज़िंदगी वादियों में, कहाँ जिएंगे वादियों में भाई, मिला करेंगे हम वादियों में, मिला करेंगे वादियों में। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन जनाब क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि एक फैक्ट्री में कर्मचारियों में, एक फैक्ट्री के कर्मचारियों में 80% पुरुष हैं,
अगर आपका पुरुष 80% है तो टोटल आबादी कितनी हुई जनाब? टोटल हमने कहा टोटल हुआ 100%। इसमें से आप देखें पुरुष कितना है, पुरुष हुआ इसमें 80%, तो स्वतः ही महिलाएं कितनी होंगी? 20%। यार इसमें सोचना क्या है, दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। अब देखो थोड़ी सी बातें बोली उसने, उसने बोला है कि 20% इनमें से मतलब किसमें से, पुरुष में से, इनमें से 20% मैट्रिकुलेट है, यानी इसका मैट्रिकुलेट है 20%, ठीक है, और शेष ग्रेजुएट है, और महिलाओं का 25% मैट्रिकुलेट है, शेष ग्रेजुएट है। अंतिम में, सबसे अंतिम में देखें उसने क्या पूछा है, ग्रेजुएट की संख्या पूछी है। तो याद रहे हम भी ग्रेजुएट वाला निकालेंगे मामला। आ जाए मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, अगर 20% तुम्हारा, मान के चलो 20% तुम्हारा मैट्रिकुलेट है, तो आपका ग्रेजुएट कितना है? 80%। तो क्या करेंगे? 80%। 80% का मतलब जानते हो क्या होता है? 80% का मतलब होता है 4/5। जिनको नहीं पता वो इधर देखा करें, जहां जहां से जब जब मामला बनेगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे कौन आएगा? 100। और देखो 20 × 80 = 20 × 5 = 100, या 80% लेके यहाँ 4/5 लेके, दोनों का मतलब एक ही होता है, 8 × 8 = 64, कितना आ जाएगा टोटल, यानी 64%। क्यों? मैंने इस प्रतिशत को तो उड़ा दिया नीचे 100 ला के, लेकिन मैंने ये वाले प्रतिशत को नहीं उड़ाया। अब नीचे आते हैं, आगे यहाँ बोलता है कितना, उसने साफ साफ बोला हुआ है मामला, क्या बोला हुआ है, 25% मैट्रिकुलेट है, 25% मैट्रिकुलेट है, तो बताओ ग्रेजुएट कितना है आपका? 75%। और 75% को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा 3/4, और इसका 3/5 कितना आएगा? 15%। दोनों को मिला दिया जाए तो आपका कितना आएगा? ये तो आपका आएगा 9, और 6+1 कितना आएगा? 7, यानी 79% आपका मामला रहेगा, 79% आपका टोटल, आपका टोटल ग्रेजुएट कितना होगा, पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर कुल आबादी का कितना? 79% होगा। वो तो ठीक है, बोले यहां पर इनकी संख्या दी है कितनी, महिलाओं की संख्या 600 दी हुई, देखो अच्छे से दिया है कि नहीं, महिलाओं की संख्या दी 600, तो बताओ हो गया क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन देखते ही खत्म, यानी 20% का मामला आपका अगर कितना होगा, 600, तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है, इतना प्रतिशत का मामला आपका कितना होगा, और 20 छोड़ेगा 0 से 0 रहेगा, 2 से कुछ तो बोलो जनाब, 0, 3 × 9 = 27, 7 × 21 = 22, 23 कितना आ गया, यानी 2370। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिखेगा दिखेगा, विश्वास मानो दिखेगा। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, कुछ खास है नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से लो, कोई कमी नहीं होना चाहिए स्क्रीनशॉट में, कहीं कमी रहे ना रहे स्क्रीनशॉट में, कोई कमी ना रहे। अगला क्वेश्चन, तुम रहो ना रहो पर क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, देखो आवाज नहीं आ रही, अरे सिलेक्शन रहना चाहिए यार, तुम्हारे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं रहता तो फर्क पड़ता है, जो तुम्हारे वजूद इंसान का, तभी एक बात याद रखना, सिलेक्शन है तो वजूद है, नहीं कोई वजूद नहीं, ठीक है, ये बात अपने दिलो दिमाग में अच्छे से रखना, सिलेक्शन है तो वजूद है, सिलेक्शन नहीं तो कोई वजूद नहीं, यानी आपके पास कुछ काम है तो आपका वजूद है, आप किसी को देते नहीं हो, फिर भी पता है दुनिया का एक बिल्कुल रूल है कि अगर मान लेते हैं एक पल के लिए आपके पास कुछ है, आप यदि किसी चीज़ को बोलते हैं कि तुम्हारे बिन जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे, कोई भरोसा नहीं करेगा, एक पेपर निकाल दो किसी से बोल दो तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाएंगे, जबकि अब उनको पता झूठ बोल रहे हैं, तब भी पता है हाँ बिल्कुल तोड़ सकते, क्यों, क्योंकि अब आपके पास जॉब है, ये बड़ी प्रॉब्लम है पता है, जॉब लो पहले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जनाब, क्या कहता है उसमें, एक व्यक्ति अपने धन का 50% अपने पुत्र को 80 और 30% अपनी पुत्री को दे दिया, टोटल कितना खर्च हुआ, 50 इधर दिया, शेष का नहीं बोला है भैया, 50 इधर गया 30 इधर गया, मेरे हिसाब से तो 80% चला गया तुम्हारे से, तो शेष बचा हुआ कितना है, तो शेष बचा हुआ मामला कितना है आपके पास, शेष बचा हुआ मामला हमारे पास 20% है। अब देखना इसमें से भी क्या कहता है, शेष का 80% ट्रस्ट को दिया, शेष का 80 दे दिया ट्रस्ट को, तो शेष में से अभी कितना और बचेगा, अभी भी देखो शेष का कितना शेष होगा, आप देखें ना शेष का भी कितना शेष है, अब इस शेष का भी शेष देखें तो कहेंगे 20% का अगर इसने कितना दे दिया, 80 दे दिया, तो 20 ही बचा हुआ है, और 20% इसका और बचा हुआ है, 0 0 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4, यानी 4% बचा, और जिसकी संख्या आपको दिया है कितना, 16,000, तो हम कहेंगे 4% के बराबर आपका कितना है, 16,000, तो दुनिया में सब कुछ क्या है, 100% के मामला कितना होगा, इस 4 से उड़ेगा कितनी बार, 4,
और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1 2 3 4 5, कितनी जीरो लग जाएंगी जनाब, 5। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा। देखें हम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना? अरे हाँ हाँ कुछ तो। अब आते हैं थोड़ा सा मामला जो दिया रहता है, हल्का फुल्का सा टाइप चेंज करते हैं, और टाइप में ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, इस वाले टाइप में बस 3 ही क्वेश्चन है, तो इस टाइप को भी हम कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा हमारा वीडियो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें नए क्वेश्चन लाएंगे, फिर हम उसके बाद लाएंगे मिसलेनियस, और मिसलेनियस में आपका टाइप 2 होगा। याद रहे मिसलेनियस देखना मत भूलना, क्योंकि वो क्रीम होगा, एक बात याद रखना, समझे? ये सब बातें हैं फालतू की, फिजूल की, ठीक है ना? आज टाइप चेंज करते हैं, देखो क्या कहता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक समारोह है, शादी है, समारोह है, मान लेते एक पल के लिए कि 60% ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, और आपके मान लेते हैं 45% ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और 450 प्राणी ऐसे हैं जो चाय भी ले लेते हैं और कॉफ़ी भी ले लेते हैं, टी प्लस कॉफ़ी दोनों लेते हैं। ये वही लोग होंगे शादी में जाते, शादी में गए हो ना तुम लोग, शादी में जाते वही लोग होंगे, खाना खा लिया, इन्हें पता चलता आइसक्रीम भी खा ली, इन्हें पता चलता रसगुल्ले भी खा लिए इन्होंने पहले सब कुछ, अब इन्हें पता चलता रसगुल्ले गर्म गर्म खाने के बाद, चाट खाने के बाद, अचानक किसी ने कहा कॉफ़ी बोले नई तरह की मिली वो भी पी ली, अचानक पता चला अरे नहीं नहीं बहुत ही बेहतरीन आइसक्रीम आए तो इसको भी खाएं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ठंडा है गर्म है, ये शादी में हर एक चीज़ को टेस्ट करते हैं। तो ये बोलो ही होंगे, पता है दोनों चीज़ें लेने वाले, चाय भी ले ली और कॉफ़ी भी ले ली। आ जाओ तो मुझे बताओ अतिव्यापन कितने में हो रहा है, देखो 60% और 45% कितना होता है 105%। इसका मतलब जानते हो क्या है, दुनिया में सब कुछ 100% होता है, होता है 5% अतिव्यापन को बताता है, यानी 5%, और भाई वो ही लोग हैं जो, ये लोग कौन से हैं 450, तो हम कहेंगे 5% के बराबर अगर 450 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%, समझ रहे हो ना? वहां पर देखा जाता है अतिव्यापन वाले को निकाल के अलग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है जनाब, क्वेश्चन ये कहता है कि एक परीक्षा में 51% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 45% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, और 21% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। अब कॉमन, और फिर कहता है कि 169 विद्यार्थी क्या होते हैं, पास होते हैं। अरे पास वाला पास कौन होता है मुझे बताओ, पास कौन होता है? अच्छा तुम खुद ही बताओ पास कौन होता है। अरे जो दोनों में पास हो जाए, इंग्लिश में भी पास हो जाए और इंग्लिश में भी पास हो जाए और किसमें मैथ्स में भी पास हो जाए, जो भी है दोनों में पास हो तभी तो पास माना जाए, और एक विषय में फेल है तो फेल ही तो होगा वो, बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पर क्या करते हैं, तो फेल वाला लेते हैं या फिर पास पास वाला लेते हैं, किसी एक विषय में भी फेल है तो फेल है, पास का मतलब एक ही चीज होता है कि दोनों विषय में बिल्कुल टक्कर टक्के जनाब, समझ गए ना? अब देखते हैं तो यहाँ पर कहता है कि 51% क्या हुआ, 51% आपका क्या है किसमें फेल हुआ है, अगर फेल वाला संख्या लेते हैं, देखो 51% इधर फेल हो गया कोई नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर 45% यहाँ फेल हो गया कोई नहीं, होने दो अच्छा है लड़का फेल हो रहा है कोई बात नहीं आगे संभल जाएगा। अब क्या कहता है 21% दोनों में फेल हो रहा है। मैं एक बात मुझे बताओ, जब आपने इंग्लिश वाले का जब आपने यहाँ पर लिया था 51% इंग्लिश वाले का लिया था तब, और इसका मैथ्स वाले का लिया था, अगर 21% दोनों में फेल है तो दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ भी गणना में आ गया और यहाँ भी आ गया, एक सब्जेक्ट में फेल था तो 51 उनका जुड़ा तो गया, जो दोनों में चटक गया तो क्या इंग्लिश वाले भी आए होंगे और मैथ्स वाले भी आए होंगे, यानी वो 21% या तो यहाँ आया होगा या यहाँ होगा, जब दोनों ही ले लिया तो अतिव्यापन हो रहा है, तो 21% को हम क्या करेंगे उड़ा देंगे, 21% को हम उड़ाएंगे। अब देखना कितना आ गया, ये आपका है 96%, और 96 - 21% कितना आ जाएगा 75%। ये शुद्ध वो लड़का है, या तो यहाँ फेल होगा और या फिर यहाँ फेल होगा, क्योंकि वो फेल की गणना में आएगा, तो इसका मतलब 75% विद्यार्थी या तो इधर या इधर तो फेल हो गया, तो फिर पास कितना हुआ होगा, हमने कहा 100% में से अगर 75 चला गया तो बचा कितना हुआ 25% आपका पास हुआ होगा, और इनकी संख्या आपको दी है, कितना दी है इनकी संख्या 169, तो 169 आपका ये दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि 25% के बराबर यदि आपका 169 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। आ जाओ कुल कितने हैं 100, और आ गया 25 × 4, और आपका आंसर आ चुका है, कितना आ चुका है आपका आंसर आ चुका है 676। प्रॉब्लम क्या बताओ, अच्छा कोई लड़का कहता है कि मुझे तो ये लिया है मैं तो दूसरे से लूंगा, अगर दूसरे से लेना चाहता तो कहता कैसे लेता, देखो आपको बताऊं 49 और ये कितना 55,
तो 21 को 100 में से 21 उड़ जाएगा, बाकी का बचा हुआ आएगा। तो या तो सभी को फैल फैल में लो या सभी को पास बात में। अगला वाला क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से, हो गया। चलो आज अब क्या कहता है, देखो दोबारा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि 70% इंग्लिश में और 80% मैथ्स में आपके क्या होते हैं, पास होते हैं, और दोनों में मामला दिया कि 10% दोनों विषय में क्या हो जाते हैं, फेल। आप एक काम करें, तो फेल फेल वाला लें, पास पास वाला। अगर 70% वाला आपका मामला देखो, 70 यदि आपका पास होता है तो फेल कितना हुआ, 30, बात खत्म। यहाँ 80% पास हुआ तो फेल कितना हुआ, 20, जो किसी एक विषय में या तो यहाँ फेल यहाँ फेल, और दोनों में कितना हुआ, 10%। तो हम कहेंगे 30 और 20 50 होता है, तो 50% माइनस कितना आएगा, 10, तो बचा कितना आपका, 4, यानी 40 आपका फेल हुआ है, 40 आपका फेल हुआ। अरे अरे यार, अब सोच रहा है 70 यहाँ 30 कहाँ दिया, अरे 70 पास हुआ तो फेल कितना होगा, 30, अगर 80 पास हुआ तो फेल कितना होगा, 20%। आपको कहते दोनों विषय में, या एक फेल वाला यहाँ इंग्लिश ये वाला ले लिया, ये वाला, और जो दोनों में हुआ है या तो यहाँ होगा यहाँ, इसलिए अति व्यापन वाले को हटा दिया, शुद्ध फेल होगा कितना, 40%। वो कौन सा, या तो इधर हुआ होगा या इधर, यानी शुद्ध फेल हुआ है, तो पास वाला मामला कितना रहा होगा, पास वाला क्या करेंगे, 100% में से हम 40% को उड़ा देंगे तो बचेगा कितना हमारा, 60%। क्या इनकी संख्या दी है, बिल्कुल दी है, तो हम कहेंगे 60% का मामला कितना आएगा आपका। तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है, 100%, और 100% दुनिया में जो भी होता है सब क्या होता है, 100%। उसके बाद तो कहानी आपके हाथ है, और कहानी बड़ी शानदार है, कहानी है क्या जनाब, अच्छी है। और हम उड़ा देंगे 20 उड़ाएंगे, 20 उड़ाएंगे तीन बार, इस 3 से उड़ेगा, 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, और एक्स इजकल टू कितना आ जाएगा, 140 आपका आंसर आ चुका है। मतलब इतना सिंपल चीज़ें हैं कि अच्छा कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी है, अंतिम क्वेश्चन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अगले वीडियो पर आएंगे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट हो गया ना, चलो आ जाओ, अब देखते हैं, आ जाओ, अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। एक परीक्षा में 52% हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल होते हैं, और 70% विद्यार्थी क्या होते हैं, दोनों में फेल होते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों पास होते हैं। चलो यार फेल फेल बार निकालते हैं ना, टेंशन लेनी नहीं है हमें, पता है। अब देखो यहाँ 52% अगर तुम्हारा क्या हो गया हिंदी में, क्या हो गया जना, फेल 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 फेल, अरे सभी तो फेल है यार, यहाँ तो फेल ही है, बदलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी कितना है जना, फेल ही है, बदलने की जरूरत ही नहीं है। दोनों में कितना है सर, तो आप देखो जो दोनों में हुआ है या तो यहाँ आया होगा गणना में, यहाँ आया होगा, तो जब यहाँ एक ना एक जगह आ चुका है और दोनों में हुआ है, तो जब यहाँ भी जोड़ दिया यहाँ भी जोड़ दिया, इसलिए हम माइनस क्यों करते हैं कि अतिव्यापन नहीं होना चाहिए। आ जाओ अब देखें, तो और दो 4 आएगा, 5 और 4 9 आएगा, ये 17 उड़ेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 77% है, आपके हिसाब से भी होना चाहिए ना। अब आ जाओ, बोला क्या है आपसे, तो बताओ कितने पास होते हैं, फेल इतना है तो पास कितना है। तो हम कहेंगे 100 में से 77 जाएगा, मेरे हिसाब से तो बचेगा, क्या बचेगा, आपके हिसाब से भी वही बचेगा। क्या ऐसा है कि नहीं है, अरे कुछ तो बोलो, हाँ है, ठीक है। अब यहाँ तक की बातें हमने इस वीडियो में कर ली है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एक वीडियो और आएगा, उसके बाद मिसलेनियस आएगा, और मिसलेनियस में 2 टाइप आएंगे, और विश्वास मानो दोनों ही जबरदस्त होंगे, आग लगाने वाले होंगे। वहाँ आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे। अभी जो बातें की है ना, बहुत ही सिंपल वे में की है, ठीक है ना। बाद में मिलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।